लोग संविधान बदलने की बात करते हैं, 400 पार की बात करते हैं, यह अहंकार तो रावण का भी नहीं टिका था। ये बात पूर्व मंत्री विजयालक्ष्मी साधो ने बड़वानी संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी पोरलाल खड़ते के चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा पर निशाना साधते हुए कही। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ जीत को लेकर रणनीति भी बनाई। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो गया है, ऐसे में बड़वानी कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने बड़वानी जिले के पार्टी पहुंची पूर्व मंत्री एवं खरगोन लोकसभा प्रभारी विजया लक्ष्मी साधो ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सभी लोग जानते हैं कि इसे बताने की जरूरत नहीं, देश के अंदर जो प्रजातांत्रिक मूल्यों का गला घोटा जा रहा है, इसकी शुरुआत 2018 में ही हो गई थी, जब मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को मैंडेट देकर सरकार बनाई थी। उसे 15 महीने भी चलने नहीं दिया गया और साम दाम दंत भेद डिवाइड एंड रूल को अपनाकर पिछले दरवाजे से भाजपा ने शिवराज मामा की सरकार बना ली। वहीं परंपरा का निर्वहन करते हुए देश में जगह जगह जो घटनाएं घटित हो रही है, हम लोग इसके खिलाफ मजबूती से खड़े हुए हैं। पोरलाल खड़ते जो एक सुलझा हुआ आदमी है। चुनाव का बिगुल बज गया है, लोकसभा पार्लियामेंट चुनाव का, और खरगोन बड़वानी जिले में हमारे सम्मानित वरिष्ठ नेताओं ने खड़गे जी, प्रियंका जी, राहुल जी, सोनिया जी और प्रदेश के नेता दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी, इन लोगों ने भाई पोरलाल खड़ते जी को यहाँ का उम्मीदवार बनाया है। और हम सब, मुझे लोकसभा का यहाँ का प्रभारी बनाया है, झूमा सोलंकी जी हमारी विधायक बिकन गांव, राजेंद्र भाई, हम लोग सब उनके क्षेत्र में आए हैं और हर विधानसभा क्षेत्र में हम लोग कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर मोबिलाइज कर रहे हैं। और सभी लोग जानते हैं, खैर बताने की किसी को ज़रूरत नहीं है कि देश के अंदर जिस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं और प्रजातांत्रिक मूल्यों का जो घोटा जा रहा है गला, ये तो शुरुआत जब हो गई थी 2018 में, मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को मैंडेट देकर आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनाई थी। 15 महीने भी इसको चलने नहीं दी और शाम दाम दंड भेद करते हुए डिवाइड एंड रूल, अंग्रेजों ने जो परंपरा अपनाई थी उसी के अनुरूप चलते हुए पिछले दरवाजे से घुसकर शिवराज मामा ने और मोदी जी और अमित शाह जी ने इस प्रदेश में बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का गला घोटकर जो यहाँ पर भाजपा की सरकार पिछले दरवाजे से बनाई, वही परंपरा ये निर्माण करते हुए जगह जगह जिस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं, तो हम लोग सब मजबूती से खड़े हुए हैं। और भाई पोरलाल खड़ते जी जो कि एक बहुत ही सुलझे हुए व्यक्तित्व है, जिस जमाने में नौकरियां मिलना बंद हो गई, संविधान बदलने की जहां बात हो रही है, उन परिस्थितियों में खड़ते जी जैसा व्यक्तित्व अच्छी खासी नौकरी छोड़कर, प्रमोशन ड्यू था वो छोड़कर, समाज की सेवा में पहले से ही लगे हुए थे और कांग्रेस के माध्यम से, एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो इस बेल्ट के आदिवासी एससी एसटी और पिछड़े वर्ग के किसानों की, युवाओं की, खुद भी युवा है, 42-43 साल का व्यक्तित्व है वो, और ये सब चीज़ों को देख के आज वो मैदान में उतरे नौकरी छोड़कर, ये एक बहुत बड़ी बात है। कुल मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस ने बड़वानी लोकसभा सीट से वाणिज्यकर विभाग से वीआरएस लेकर कांग्रेस ज्वाइन करने वाले पोरलाल खड़ते को चुनाव मैदान में उतारा है। इसके बाद ये मुकाबला काफी रोमांचक हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, बड़वानी।